कि परसों इंडिया के अंदर वो एक स्टोरी और बुरी तरह वो एक्सपोज हो गए अजमल कसाब के हवाले से। अजमल कसाब का वाकया आपको याद होगा, स्पीकर साहब वो कहते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। आपने देखा होगा कि जब अजमल कसाब और मुंबई हमले हुए थे उसके बाद पाकिस्तान में किस अंदाज से हमने ये कोशिश की कि अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित कर ले। कौन थे वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर एक एक शहर के अंदर जाके दिखा रहे थे कि ये अजमल कसाब का घर है, यहां पे अजमल कसाब इस गली मोहल्ले में बड़ा हुआ, अजमल कसाब यहां से इस स्कूल में जाया करता था। इस किस्म की चीजें दिखाई और कोशिश की गई कि उसको पाकिस्तानी साबित करे। लेकिन दो चीजें आ गई, एक आपने वो किताब भी पढ़ी होगी जिसमें कहा गया कि जो मुंबई ब्लास्ट थे वो तमाम के तमाम इंडिया खुद उसमें मुलविस था, और उसके बाद जो परसों इंडिया के अंदर एक जो धमाका खेज स्टोरी आई उसने इंडिया के असल चेहरे को भी निकाब कर दिया। तो इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, और हमें अपने आप से भी ये सवाल करना चाहिए स्पीकर साहब कि हम कल भूषण को गिरफ्तार कर देते हैं, यहां पे उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, हम उनका नाम तक नहीं लेते। हमें पता होता है कि किस तरह मेरे कराची के अंदर धमाके की गए, किस तरह की राह यहां पे मुलविस था, किस तरह एनडीएस पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस था। ये चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जो चीज आई है माजी में जिन लोगों ने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की वो क्या जवाब देंगे पूरे पाकिस्तान को? वो हम जैसे और जो फाटा के मेरे दोस्त बैठे हैं इनके घरों से जो जनाजे निकले हैं उनको क्या जवाब देंगे कि वही तो दहशतगर्दी करते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं। जनाब स्पीकर एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ये मुसलसल और एक तसलसल है। तसलसल किस अंदाज से कि हमें पता है कि दुश्मन पाकिस्तान के अमन से उनको खतरा है, हमें पता है कि किसी को सी पैक से खतरा है, हमें पता है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ पूरी दुनिया को पता है कि जाएगा, इसलिए यहां पे मुख्तलिफ हर्ब इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जनाब स्पीकर मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश थी कि जो वाकियात है इन सब को मिला के हमें थोड़ा सोचना होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहरियार अफरीदी इस केस को बड़े गहराई से देख रहे हैं, और जो भी इसमें मुलविस होगा इस ऐवान को यकीन दिलाते हैं कि उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेहरबानी डॉक्टर दर्शन साहब जी। शुक्रिया स्पीकर साहब।